हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपसे वेस्ट मटेरियल से पॉट कैसे बनाएं ये इसी पे बात करने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पेंट का डिब्बा लिया है और मैं अपने गार्डन में काफ़ी सारे इसी तरह के यूज करती रहती हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ वेस्ट मटेरियल होते हैं, पेंट वगैरह के डिब्बे होते हैं, मग होते हैं पुराने, वो सब इस तरह से हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमको नीचे ड्रेनेज होल बना लेने हैं अच्छे से, और मैंने इसमें काफ़ी सारे बनाए हैं क्योंकि मैं इसमें एक सकुलेंट प्लांट लगाने वाली हूँ। तो सकुलेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, यानी ड्रेनेज वाला पॉट ही सिलेक्ट करना चाहिए ताकि उसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं, इसलिए मैंने इसमें देखिए खूब सारे होल्स बना कर रखे हैं। और एक गर्म पेचकस को गर्म करके मैंने उसमें से होल्स बनाए हैं इसमें, और बस मैं इसमें थोड़ा सा कलर करूँगी ताकि ये सुंदर भी दिखने लगे, और फिर मैं इसमें अपना प्लांट भी लगाऊँगी। तो मैं इसे पहले पेंट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसे दिखा नहीं पाऊँगी आपको। तो मैं इसमें देखती हूँ कि कौन सा पेंट मैं कर लूँ। पहले इसमें वैसे तो रेड कलर दिख रहा है, लगा हुआ है, तो मेरे पास अभी ब्लू कलर है क्योंकि अभी बिल्कुल भी सब जगह बंद पड़ा है, तो कुछ भी हम कलर वगैरह भी कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं। तो ये फैब्रिका का एक्रीलिक कलर है, इसी को मैं इसमें पेंट करने वाली हूँ, और देखती हूँ किस तरह का लगेगा इसमें। तो पहले मैं इसमें पेंट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने ब्लू कलर से पेंट कर दिया है पूरे डिब्बे को, और ये अंदर येलो ही रहने दूंगी मैं, इसको अंदर इसमें पेंट नहीं करूंगी। और बस अभी ये पेंट गीला है, बस इसको 10 मिनट लगेगा सूखने में, क्योंकि यह कलर बहुत ही जल्दी सूख जाता है। ये देखिए, तो काफ़ी खूबसूरत भी दिखने लगा ही है। और इसी तरह से आप अपने घर में वेस्ट मटेरियल से थोड़ा सा बस पेंट करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं, और कोई भी प्लांट लगा सकते हैं इसमें, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इसको मैं रख देती हूँ सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, अच्छा दिख रहा है। तो मैंने 2-3 प्लांटर इसी तरह से तैयार किए हैं और उनमें प्लांट भी लगा दिए हैं। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन में इनको बनाती रहती हूँ, जो भी मेरे गार्डन में पेंट वगैरह के डिब्बे रहते हैं उनमें मैं सब में लगा देती हूँ कुछ ना कुछ प्लांट। मैंने बहुत सारे प्लांटर में लगाए हुए हैं, कुछ मैं एडेनियम के सीडलिंग जो थी उनको लगा दिया है, और कुछ मेरे विंका के जो सीडलिंग थी वो लगी हुई है। तो बहुत सारे मेरे पास इस तरह के प्लांटर हैं जिन्हें मैंने छोटे छोटे प्लांटर में लगा कर रखा हुआ है, और बहुत अच्छे से ये प्लांट, यानी बिल्कुल जो हमारे प्लास्टिक के पॉट होते हैं उन्हीं का काम करते हैं, और बहुत अच्छे से चलते भी हैं काफ़ी दिनों तक। तो आप भी अपने घर में वेस्ट मटेरियल से इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी पेंट के डिब्बे हों या फिर पुराने डिब्बे वगैरह हों, उनको पेंट करके आप थोड़ा सा उनको खूबसूरत बना लीजिए, उसके बाद आप उसमें प्लांट लगा दीजिए। और हाँ, उसमें ड्रेनेज होल बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़रूरी है प्लांट को लगाने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखिए, एक प्लांट में मैंने जेट प्लांट लगाया है एक प्लांटर में, और ये भी दोनों जो मैंने सेम अभी पेंट किया था, ये देखिए दोनों डिब्बे मेरे पेंट किए हैं, और इसमें मैंने जेट प्लांट लगा कर रखा है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। इसको मैंने पेंट से थोड़ा सा खूबसूरत भी बना दिया है, ये देखिए। तो इसी तरह से आप भी पेंट करके वेस्ट मटेरियल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, और आपका आपको फ्री में प्लांटर भी मिल जाएंगे। और अभी तो लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम हो रही, कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, आप घर में इस तरह से DIY करके बना सकते हैं। और ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देखिए, मैंने इसे भी पेंट कर दिया है, और ये मेरा सूख चुका है ये वाला, जो मैंने उस टाइम आपको पेंट ये करके दिखाया था। और इसमें मैं एक सकुलेंट प्लांट लगाऊंगी, तो मैं अब बाद में लगाते हुए आपको फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। और यहाँ पर देखिए, ये प्लांट लगा हुआ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरह से आप अपने घर में वेस्ट मटेरियल से ज़रूर बनाइए। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।